नमस्कार। कहते हैं आत्मविश्वास, लगन और कठिन परिश्रम से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसी का उदाहरण है मिस अंजलि सुजुकी। इन्होंने सीएटसेल 2017-18 क्वालिफाई किया है और साथ ही एमपी पटवारी 2018 भी क्वालिफाई किया हुआ है। अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी व्यापम द्वारा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, इसमें इन्होंने सेकेंड रैंक प्राप्त किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के टॉपर स्टॉक में बात करेंगे मिस अंजलि से। तो सबसे पहला क्वेश्चन अंजलि जी मेरा आपसे ये है कि आप सिंगर भी हैं, एक पोएट भी हैं और कविताएं लिखती हैं और साथ ही इतने एग्जाम्स आपने क्रैक करे, तो इन सब के पीछे रीजन क्या रहा? थैंक यू सर। सिंगिंग और राइटिंग मैं बचपन से ही मेरी हॉबी रही है और बचपन से ही मैं कई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती आई हूँ और उनमें मैं विनर्स भी रही हूँ और स्कूल की मैगजीन्स में मेरी पोइट्रीज भी पब्लिश हुई हैं। तो ये इंटरेस्ट बचपन से ही मुझ में था। बस ये कह सकते हैं कि उन इंटरेस्ट को मैंने आज तक जिंदा रखा है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो जीवन यात्रा है इसमें कई ऐसे पहलू होते हैं कि हमें सकारात्मकता भी मिलती है, नकारात्मकता भी मिलती है, कई बार हमें विफलताएँ भी मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों को काबू पाने के लिए ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे जब कभी मैं नकारात्मक हो जाती हूँ या मुझे कोई असफलता मिलती है तो मैं उन्हें अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। उससे डायरी में लिखने से मेरी नकारात्मकता कुछ हद तक दूर हो जाती है और वो कब एक कविता का रूप ले लेती है मुझे पता ही नहीं चलता है। अगर फिर भी कुछ भी नकारात्मकता मेरे अंदर बची रहती है तो मैं गाने गा लेती हूँ, एक ऐसा गाना जिससे मैं मोटिवेट हो पाऊँ, एक ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग जिससे सभी मोटिवेट हो पाए। तो ऐसे ही मैं कुछ चार लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी और स्टूडेंट्स के लिए गाना चाहूँगी। राह पे काटे बिखरे अगर उस पर तर भी जलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर रात तो एक दिन ढलना ही है, रुतिये टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। अंजलि जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपका चयन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में हुआ है और जॉब के साथ आपने इसमें सेकंड स्थान प्राप्त किया है, तो जॉब के साथ आपने कैसे, क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई, कैसे आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, हमारे व्यूअर्स को आप जरूर बताएं। सर, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में मेरा जो चयन हुआ है उसमें मेरी स्ट्रेटजी यही रही है कि दो चीज़ों को मैंने इसमें लीड रोल दिया है। फर्स्ट इज कंटिन्यूटी, सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। कंटिन्यूटी से मेरा मतलब ये रहा है सर कि मैं पढ़ाई के लिए कभी भी किसी एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करती हूँ, मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ और पढ़ाई के हमेशा टच में रहती हूँ। जैसे जब मेरे कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते तो उस समय मैं कोर सब्जेक्ट्स को पहले रेडी करती हूँ, लाइक करेंट अफेयर्स है और एमपी जीके है, वर्ल्ड जीके है, इंडिया का जीके है, तो ये मैं रेडी करती रहती हूँ। तो ये मेरे लिए तब हेल्पफुल रहता है जब एग्ज़ाम्स आते हैं, 15 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड आता है, तो उस समय मैं उन सब्जेक्ट्स को उठाती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो इस स्ट्रेटजी में कंटिन्यूटी का लीड रोल है और टाइम मैनेजमेंट भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मैं शुरू से ही जॉब में रही हूँ और जॉब के साथ साथ ही मैंने पढ़ाई की है। तो उस समय मैं मुझे चुन चुन के टाइम मिलता है, एक एक सेकंड मुझे बहुत चुन चुन के निकालना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू मैं 3 से 4 घंटे कोशिश करती हूँ कि मैं डेली अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाऊँ। तो इन दोनों ही चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी में, मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटजी में इन दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अंजलि, एमपी में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इंग्लिश में काफ़ी समस्या होती है और आप भी हिंदी मीडियम की छात्रा रही हैं और आपने भोपाल की बहुत बड़े संस्थान में आपने एक्स फैकल्टी भी रहे इंग्लिश की, तो आप बताइए आपका जो संघर्ष रहा हिंदी से इंग्लिश तक पहुंचना और इंग्लिश की फैकल्टी बनने तक का जो संघर्ष रहा, वो आप हमारे व्यूअर्स से डिस्कस करिए। सर, जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
तो ऐसी ही मेरी कुछ आवश्यकताएं रही कि मैंने इंग्लिश को अपना फ्रेंड बना लिया। जैसे मैंने 12th के बाद मैंने यहाँ भोपाल के कॉलेज में एडमिशन लिया था और मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ कंटिन्यू करने का सोचा था। तो क्योंकि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी सर, तो उस समय मुझे ये पता लगा था कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि 80,000 पर ईयर की थी और 5 ईयर्स मुझे टोटल 4 लाख रुपीज़ मिलना था। तो उसको आधार मान के मैंने यहाँ एडमिशन लिया, अपनी पढ़ाई शुरू की। बट आफ्टर सम मंथ्स मुझे ये पता लगा कि मैं उस स्कॉलरशिप से रिजेक्ट कर दी गई हूँ। तो उस समय मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था और मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे सैडनिंग मोमेंट था। इससे बुरा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं रहा होगा क्योंकि उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, क्या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ, या मुझे क्या वापस स्विच करना चाहिए। कई विचार मेरे मन में आ रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं वापस क्यों आ गई, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है, या फिर क्या रीज़न रहा मेरे वापस आने का। तो इन सब विचारों के कारण मैं एक डिप्रेशन की ओर टर्न कर रही थी। तो मैंने पूरी तरह से अपनी हॉस्टल से चेकआउट कर दिया और मैं अपने होम टाउन लौट आई कि अब मैं आगे पढ़ाई यहाँ नहीं कर पाऊँगी। देन मेरे पेरेंट्स के, देन मेरे ब्रदर के एनकरेजमेंट से उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे में तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। तो वो मेरी लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट था कि भोपाल आना, फैमिली का शिफ्ट होना और फैमिली को कंसोल करना। तो ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा संघर्ष रहा। उस समय कई नकारात्मक परिस्थितियां मेरे साथ रही कि मैंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है सर, तो मुझे कुछ करना चाहिए और मुझे उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, साथ ही मुझे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। तो देन मैंने सोचा कि मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन था होम ट्यूशन्स का। Then in second year I started home tuitions and I earn only 500,000 per month. तो इसमें मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था। Then मैंने एक competitive exam से institute join किया और वहाँ पे आपका जो question था सर English को मैंने कैसे improve किया, तो वहाँ पर मुझे लगा कि मैं English को अच्छे से पढ़ रही हूँ, अच्छे से मैं explain कर पा रही हूँ। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं English को अपनी source of income बना सकती हूँ सर। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट में वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की कि क्या मैं आपके इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और मुझे उन्हें सपोर्ट करना है, और क्योंकि मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ तो मुझे कोई और जॉब नहीं मिल सकता, और मेरा कॉलेज जो था वो भी रेगुलर कॉलेज था, वहाँ पे 75 अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट थी। तो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना ये सिर्फ एक टीचिंग में ही मुझे पॉसिबल लग रहा था सर। तो इन सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड टीचिंग देयर। तो वो मैंने स्टार्टिंग में लाइन कही आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वो वहाँ पे पूरी तरह से चरितार्थ हो रही थी सब। तो ये मेरा एक संघर्ष था। धीरे धीरे करते करते मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और खुद को भी सपोर्ट किया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। तो ये मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग मोमेंट था और मुझे लगता है कि ये मोमेंट जो मैंने निकाला है जो अपनी लाइफ का, तो मुझे लगता है इससे बुरा मोमेंट मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिल सकता। ये तो ये आपने जो इंग्लिश का बताया है कि इंग्लिश आपने जैसे इम्प्रूव करा और फिर आपने फैकल्टी होते हुए फिर आपने आगे उसको टीच करा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, मतलब कैसे आपने उस चीज को इम्प्रूव करा, कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन पर आपने वर्क किया? सर इंग्लिश को लेके मेरी स्ट्रेटजी इन 3 पॉइंट्स के आसपास ही घूमती है। फर्स्ट, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि हमें उस कॉन्फिडेंस के साथ कई चीज़ें स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करनी होती है जो हमारे फ्रंट ईयर से उन्हें एक्सप्लेन करनी होती है। तो मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत काम किया एंड देन मैंने अपनी वोकैबुलरी पे बहुत काम किया। जैसे मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी एक आदत बनाया और मैं न्यूज़पेपर्स में मुझे भले ही समझ में नहीं आता था बट मैं उस न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करती थी और उनके मीनिंग्स को सर्च करके मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करती थी एंड देन मैं उन्हें डेली लर्न करती थी। और लर्न करने का तरीका मेरा ये रहता था कि मैं उसके बारे में सेंटेंस बनाती थी, उसको अपने आसपास जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं मैं उससे कनेक्ट करती थी। तो ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही। तो इससे क्या हुआ, मुझे इंग्लिश के मीनिंग्स मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आने लगे। और फिर थर्ड पॉइंट, मैंने इंग्लिश का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया सर लाइफ का। मुझे इंग्लिश के ही बारे में सोचना है, मैं फ्रेंड्स से मिल रही हूँ तो कोशिश करती थी कि मैं इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ,
और स्टूडेंट्स से भी मिलती थी तो मैं उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ करके बात करती थी। तो इन तीन पॉइंट्स के आसपास ही मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी रही है। और मुझे लगता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट जब मैंने इन तीन पॉइंट्स पे काम करना शुरू किया तो मुझे लगता है मुझे अपनी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। मैम आपने पटवारी का एग्जाम क्रैक किया, इसके बाद आपका CHSL और देन अभी ये सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम भी आपका निकला है, और ये सब एग्जाम क्रैक किया तो आपने कौन कौन सी बुक यहाँ पर प्रेफर की और साथ ही किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रही, तो व्यूअर्स को आप बताइए ताकि वो भी, अभी क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है पटवारी की, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो किस तरीके से एस्पिरेंट तैयारी करें ताकि उनको एक बार में सफलता मिल सके। सर मैंने इस बात पर काम किया है कि मुझे क्या पढ़ना है कि साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है, मैंने इस बात पर विशेषकर ध्यान दिया। और इसमें मैंने कुछ ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ी, बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने नहीं पढ़ी बट सटीक पढ़ी, और मैं उसी का रिविजन बार बार करती थी। मैंने नंबर ऑफ बुक्स नहीं पढ़ी बट कुछ सेलेक्टेड बुक्स पढ़ी है जो कि ऑथेंटिक थी, लाइक मैंने MPSC के टाटा मैकडैनियल से पढ़ा था। तो ये मुझे लगता है कि MP के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप MPBSC ले लो या अदर एग्जाम्स के लिए, तो ये एक ऑथेंटिक बुक है, इसका जो कंटेंट होता है वो ऑथेंटिक होता है, तो मैंने इससे पढ़ा। थोड़ी हेल्प के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट की बुक, मुकेश महेश्वरी जो राइटर है, लोकल राइटर है हमारे, मैंने वो वाली बुक भी रिफ़र की। एंड इसी तरह से मैंने हिंदी के लिए मैंने लूसेंट हिंदी ली, एंड कंप्यूटर के लिए मैंने परीक्षा मंथन ली, एंड सबसे ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर फोकस किया। इससे मैं एग्ज़ाम से फैमिलियर रही और मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ कि मैंने क्या पढ़ा है और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, तो इससे मैंने अपने आप को मोटिवेट करती रही मैं। अंजलि आपने भारत एजुकेशन सेंटर को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भावी भविष्य के लिए सभी छात्रों की ओर से और भारत एजुकेशन सेंटर की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।